तो अभी हम फिलहाल है पहाड़गढ़ के अंदर। सो आप अभी मैं साइड में इंट्रो ले रहा हूँ, तो आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, आप सब बने रहना। पिछली बार मैं आया था तो दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ज़रूर दर्शन करूँगा। सो व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, आगे मिलता हूँ आपको। ओके गाइस, अभी फ़िलहाल हम तूफान गाड़ी में बैठ चुके हैं, जो कि हमें जो पावागढ़ का मेन जो है वहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब हम पावागढ़ में एंटर करते हैं तो हमें हमारी गाड़ियाँ नीचे ही छोड़ देनी पड़ती है। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी गाड़ी में भी आ ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऊपर ट्रैफिक बहुत होता है, तो हमने अपनी गाड़ियाँ नीचे ही छोड़ दी। और यहाँ पे जो लोकल गाड़ी आती है जिसको बोलते हैं तूफान और जिप्सी, उसमें हम बैठे हैं। जिप्सी आपको 30 रुपये में माची तक लेके जाती है, क्योंकि हमारा जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी आप सीन देख ही सकते हो कैसा हो चुका है। मैंने बोला जैसे कि ट्रैफिक की वजह से हमें भी यहाँ पे आगे जाने को नहीं मिला, कि हमें बीच में ही उतरना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है, तो सब गाड़ियाँ यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है। तो अभी हम उतर चुके हैं, देख सकते हो। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, इसलिए हम अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं आए थे, हमने हमारी गाड़ी जो थी नीचे ही छोड़ दी थी। तो अभी यहाँ से अभी चल के हम निकल जाते हैं आगे फटाफट से। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम जिस जगह चल के जा रहे हैं उसका नाम है माची, यहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक होती है। तो अभी हमारा जो मेन है गेट है वो वहीं पे आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चल के जा रहे हैं, आप देख सकते हो, और आगे आगे यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, ये मेन गेट है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा चढ़ना, मतलब जो सीढ़ियाँ वो यहाँ से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आपको सीढ़ियाँ नहीं चलनी है तो आप यहाँ पे रोप वे की भी सुविधा इन्होंने की है, तो अगर आपको सीढ़ियाँ नहीं चलनी है तो आप रोप वे में भी जा सकते हो। लेकिन रोप वे में क्या है कि आपको ऑनलाइन पहले एक दो दिन से बुकिंग करनी पड़ती है, तभी आप रोप वे में बैठ के जा सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो काफ़ी लोग हमारे साथ चढ़ भी रहे। तो अभी यहाँ पे हम आगे जा ही रहे थे कि आप देख सकते हो भैया ने यहाँ पे एक सांप को मार दिया है। ये बहुत गलत किया भैया ने, सांप को मारना नहीं चाहिए, इनको पकड़ के आप कोई सेफ जगह छोड़ दो जंगल बंगल में। और ये सांप कुछ अलग तरीके का ही है, ग्रीन तरीके ग्रीन कलर का है, आप देख सकते हो। सो अभी हम थोड़ा चढ़ के थोड़ा ही ऊपर आए थे, और मेरे भाई और मेरा चेहरा आप देख सकते हो कैसा हो चुका है, पूरा पसीने पसीने। सो अभी हम थक चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे का आगे चढ़ेंगे। अभी तो अभी फ़िलहाल बात करूँ तो मैं, अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है, जैसे कि आप देख सकते हो हमें टॉप पे जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो इधर रुके हैं नींबू शरबत पीने के लिए, ले मांगा, गर्मी में ठंडा। चीयर्स राहुल प्रीति, चीयर्स। काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, इधर से अभी मंदिर भी काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहा है।
तो ऑलमोस्ट हम जैसे तैसे करके ऊपर आ ही गए। तो ऊपर आप आओगे तो इधर पानी की भी सुविधा है, इधर फ्री में पानी आप पी सकते हैं। इधर देख सकते हैं है ना, है? अगर आप रोपवे में बैठोगे तो आपको रोपवे इधर उतारेगा। तो फाइनली हम इधर पहुंच चुके हैं। तो इधर से मेन एंट्री है मंदिर की। हम जब पिछली बार आए थे तब कुछ अलग था, अब अभी पूरा चेंज हो चुका है। ऊपर तो अभी शायद वीडियो भी अलाउड हो चुका है, अभी देखते हैं ऊपर वीडियो अलाउड है कि नहीं। अभी तो इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो अभी इधर से चढ़ान स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल सीढ़ियां है, इसके बाद मंदिर आ जाएगा। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बाय द वे आप लोगों ने एक बात नोटिस की क्या, मेरे ब्लॉग में मैं ही नहीं हूँ, कोई और ही ब्लॉग शूट कर रहा है। आप देख सकते हो कौन ही ब्लॉग शूट कर रहा है। मैं तो आगे निकल गया था इन लोगों से, लेकिन मेरा कैमरा इनके पास रह गया था, तो इन्होंने ही मेरा पूरा ब्लॉग शूट किया है। सो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साइड में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आके हम अटक गए थे क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ही, देख सकते हो 1000 या 2000 के ऊपर थी, मतलब 2000-3000 के ऊपर तो पब्लिक ही आई थी। तो फिर यहाँ पे ही हम फंस गए थे। आप पब्लिक देख सकते हो, मतलब यहाँ पे माँ के भाविक भक्त बहुत सारे लोग आए थे। तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और कितना वेट करने का पड़ेगा वो भी नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे हम फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग भी आप देख सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैं सेल्फी ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कैमरा भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। थंबनेल के लिए एक सेल्फी ले रहा था। सो अभी आगे हम कैसे निकलेंगे कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा धीरे धीरे चल के, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हो आप काड़ भैरव का मंदिर है, जो कि यहाँ पे बाहरी फर्स्ट पहले मंदिर ही आता है, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो हम धीरे धीरे करके अंदर तो आ चुके हैं धक्के मुक्के खा के। तो अभी देखते हैं फिर दर्शन करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। और ये मेरा भाई अपना पूजा का सामान हाथ में पकड़े, और भीड़ ही इतनी है, हम क्या कर सकते हैं। आप मेरे पीछे भी देखोगे तो आप बहुत सारी पब्लिक खड़ी आ चुकी है धीरे धीरे, देख सकते हो। और हम बीचों बीच में पहुंच चुके हैं। सो अभी धीरे धीरे करके माँ के पास तो जाना ही पड़ेगा दर्शन के लिए। सो अभी धीरे धीरे हम जा रहे हैं, आगे पब्लिक बहुत है आप देख सकते हो। तो क्या होगा क्या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता है, आप देख सकते हो पब्लिक। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, तो यहाँ पे सब खड़े खड़े ही फ़ोटोज़ ले रहे थे, कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए हमारा नंबर भी जल्दी नहीं आ रहा था। लाइन के बाद फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, अभी हम निकलते हैं नीचे। खड़े है गाइस, देखो तो होपफुली अभी हमारा जो भी था वो सब खत्म हो चुका है, अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।